केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का जामताड़ा में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने विधायक आवास से सौ यात्रा निकालकर सुभाष चौक पहुंचे, जहां पर लगभग सड़क जाम किया और फिर जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान सुभाष चौक पर लगभग दो घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी किया और अग्निपथ योजना का विरोध किया। मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि आज पूरा देश जल रहा। मोदी सरकार ने रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, कल कारखाना बेचा और अब सेना को बेचने जा रही है, जिससे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि खून से होगा देश लखपत, लेकिन नहीं चलेगा अग्निपथ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाही पर उतर गई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करे सरकार। इस दौरान जिला अध्यक्ष मुक्ता मंडल सहित अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। राहुल जी तुम संघर्ष करो, दुख के साथ ये कहना पड़ा, पूरा देश जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया और आज आपने देश को बेच दिया। आपने रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, कल कारखाने सारे आपने बेच दिए, नोट बेच दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं, इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए, आप लोग युवा सड़क पर है और मैं कहना चाहता हूँ किसी कीमत पर हम लोग ये अग्निपथ, देश होगा खून से लखपत, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा, मैं ये दावे के साथ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हमारे सेना को मोदी के हाथ, अदानी अंबानी के हाथ में भेज दें? अब 4 साल में हमारा युवा रिटायर हो जाए, युवाओं के साथ भविष्य खिलवाड़ करे, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। आज तमाम युवाओं के पेट में रोजगार, अपने पेट में लात मारने का काम किया और खास करके मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सेना जो सीने में गोली खाती है उस पर भी आपको डाउट हो गया है। कैसा देश प्रेमी है आप, ये नकली देश प्रेमी है लोग, ये भाजपा के लोग नकली देशभक्त है, इसलिए इनका असली चेहरा सामने आ गया है। जब तक ये लोग, मैं चैलेंज के साथ चाहता हूँ, जब तक 2 साल में आप कितना नौकरी दीजिएगा, हम लोग थकते हैं युवाओं को, ये अग्निपथ की जब तक आप वापस नहीं लीजिएगा, ये धरना हम लोग का चलता रहेगा, यही हम कहने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।